स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक टॉपिक है टी रेशियोज, वो पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टी रेशियोज कौन से होते हैं हमारे पास? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टी रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक होता है हमारे पास साइन, ठीक है, फिर उसका रेसिप्रोकल भी होता है। अगर साइन का रेसिप्रोकल देखेंगे तो वो होता है कॉसिकेंट। ठीक है, एक हमारे पास होता है कोसाइन। अच्छा, साइन को हम ऐसे लिखते हैं ओनली एस साइन, ठीक है, और एक होता है हमारे पास कोसाइन जिसको हम लिखेंगे कॉस, और इसका रेसिप्रोकल होता है 1/ कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सिकेंट। ये कोसिकेंट, इसको सिंपली हम कोसिकेंट ऐसे और सिकेंट को ऐसे। ठीक है, एक हमारे पास होता है टेंजेंट। टेंजेंट को लिखा जाता है टेन से। इसका जो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोटेंजेंट। ठीक है, कोटेंजेंट को कोट मींस साइन साइन कॉस टेन। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने बताए, क्या क्या? तीन, साइन कॉस और टेन। ओके, साइन का रेसिप्रोकल करो तो कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल करो तो सिकेंट, और टेन का रेसिप्रोकल करो तो कॉट। ओके, तो ये तीन रेशियोज हमारे पास है, इनको यहां से डिफाइन किया गया है इस राइट एंगल ट्राइंगल से। राइट एंगल ट्राइंगल तो आप जानते होंगे ना, ठीक है, राइट एंगल, हम एंगल के बारे में पढ़ चुके हैं शायद, तो हमने उसमें एंगल मेजरमेंट पढ़ा हुआ है, तो वहां हमने राइट एंगल याद है 90 डिग्री को राइट एंगल कहा था। क्लियर, सर्कुलर सिस्टम में हम मेजर कर रहे थे रेडियन में, फिर डिग्री में कर रहे थे सेंटासिमल में, तो मेजरमेंट हमने पढ़ा हुआ है। राइट एंगल को ही क्यों चूज किया गया इन टी रेशियोज को डिफाइन करने के लिए? क्योंकि हमारे पास राइट एंगल एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड इन द सेंस कि अर्थ के ऊपर, अर्थ सरफेस पे आप कुछ भी देखिए, हर चीज राइट एंगल पे, अर्थ सरफेस के साथ 90 डिग्री पे। अगर कोई पोल है तो वो भी सीधा नॉर्मल है सरफेस के, मींस 90 डिग्री पे है। अगर कोई पेड़ है तो भी 90 डिग्री पे है। हम अगर सरफेस पे खड़े हैं तो भी 90 डिग्री पे है सरफेस के साथ, और अगर कोई बिल्डिंग है तो भी सरफेस पे 90 डिग्री पे है वो। तो इसीलिए इसी को बेस मान के इन फंक्शंस को डिफाइन किया गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। एंगल अगर हमारे पास ये वाला लिया है तो ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, फिर उसके साथ जिस पे 90 डिग्री बना हुआ है वो बेस हो गया, और उस बच गया थर्ड साइड, वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। अब बात ये है कि अगर एंगल ये वाला ले लिया जाए तो देखिए, अगर एंगल ये वाला ले लिया जाए तो मैं ब्लू से लिख रहा हूं, तब ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और वही हाइपोटेन्यूज रहेगा सेम। इसका मतलब है कि बेस और परपेंडिकुलर है वो एक्सचेंजेबल है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल, वेदर वी चूज दिस और दिस। ठीक है, तो एंगल हमने ये लिया हुआ है फिलहाल, क्लियर, ब्लैक से जो लिखा हो उसका ध्यान, ये वाला एंगल, मैं इसको इरेजी कर देता हूं कंफ्यूजन ना हो ताकि। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ये वाला मींस एसी बाई सीबी, ये हमारे पास क्या है? साइन थीटा होता है। अगर फिर साइन का उल्टा करते हैं तो कॉसिकेंट हो जाता है, तो कॉसिकेंट क्या हो जाएगा? वो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर मींस सी बी बाई ए सी।
तो पहला फंक्शन जो साइन थीटा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, तो साइन थीटा को कैसे डिफाइन किया गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस से, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कॉस थीटा, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब देखिए ये रहा बेस ये रहा हाइपर ए बी बाई बी सी, ठीक है। कॉस थीटा इज सॉरी फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो देखिए क्या है सीकेंट, सीकेंट थीटा इज बी सी बाई ए बी, मतलब हाइपोटेन्यूस बाई बेस, क्लियर। तो दो फंक्शंस हो गए हमारे पास, एक होता है साइन थीटा और एक होता है कॉस थीटा। साइन थीटा को हमने डिफाइन किया किससे, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, रेसिप्रोकल को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका तो अपने आप उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। फिर हमारे पास बच गया कौन सा, टेन थीटा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, ये वाला ये बी जो है वो बेस को वो कर रहा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर क्या है, ए सी बाई ए बी, तो कॉट क्या हो जाएगा उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स ए बी बाई ए सी। तो ये क्या आ गए, तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हमारे पास आ गए, ठीक है। एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन, एक होता है टेंजेंट, मतलब शॉर्ट में अगर बोले तो साइन कॉस टेन, क्लियर। अब जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी इस तरह से कि कॉस थीटा आएगा कि साइन थीटा आएगा, क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस होता है या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है या परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तीनों को हम देख लेंगे इसमें, क्लियर। तो और अगर हमने थीटा ये वाला चूज कर लिया तो फिर देखिए ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, अब इसको कर सकते हैं आप, ये वाला बेस हो जाएगा और ये वाला हाइपोटेन्यूस ही रहेगा उसके हिसाब से। अब देखिए आप इसको मत रटिएगा ए सी बाई सी बी को, नहीं आप रटिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। अब मैं कहूँ साइन थीटा, आप बताइए ब्लू कलर में साइन थीटा, तो साइन थीटा में तो परपेंडिकुलर ये है इस वाले थीटा का, ब्लू कलर वाले का, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस मतलब अब ए बी बाई सी बी हो जाएगा। तो आप इसको ना क्रैम करिए, आप क्या आया देखिए, अगर इसको इकट्ठा देखें तो क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वो क्या हो जाता है देखिए पी, ऊपर एक पी आएगा, फिर इसमें बी आएगा कॉस में और फिर पी, ठीक है, और डिवाइड बाई एच एच और बी, पी बी पी और एच एस बी। मीन्स देखिए पहला किसको रिप्रेजेंट करेगा, पहला पेयर साइन को साइन थीटा को, दूसरे वाला पेयर कॉस थीटा को और तीसरे वाला पेयर टेन थीटा को, पी बी पी बाई एच एच बी, ओके। इस तरह आप याद रख सकते हैं इसको, कोई भी कोड बना के अपने जो आपको समझ में आए उस हिसाब से, क्लियर। तो हमारे पास ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होते हैं बेसिकली, और तीन उनका रेसिप्रोकल कर दो तो टोटल हो गए छः हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं। और इनको किससे डिफाइन किया गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके साथ इनको डिफाइन किया गया कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है और टेंजेंट थीटा क्या होता है, ठीक है। देखिए ये जो अपने पास एंगल है ना, एंगल जो कि होता है आर्क अपॉन रेडियस, इसके बारे में, इसकी यूनिट्स के बारे में, डिग्री रेडियन ग्रेड, ठीक है, वो सब हम पढ़ चुके हैं अपने पीछे लेक्चर्स में, हम ये चीज़ एक दिन कर चुके हैं, तो वो मैं आपको दोबारा नहीं बताऊंगा उनका मेजरमेंट कि कैसे डिग्री में होता है कैसे रेडियन में होता है, क्लियर। एंगल को डिफाइन भी किया हुआ हमने कि एंगल प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दो तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ फिलहाल प्लेन एंगल, ये थीटा क्या है यहाँ पे प्लेन एंगल है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये तीन हमारे पास फंक्शंस हैं, ओके।
आगे इसमें हमारा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट्स, ठीक है। ये क्वाड्रेंट क्या कहता है कि एक प्लेन जिस पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो, जैसे बोर्ड हमारे पास एक प्लेन है, इस पे इस तरह से दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस, ये म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ठीक है, एक प्लेन को चार हिस्सों में बांट देती हैं। ये दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस एक प्लेन को फोर पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, ये इसका। और ये जो चार हमारे पास अलग अलग रीजन या पार्ट बन गए, इनको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड्स ए प्लेन इंटू फोर पार्ट्स, ओके, एंड दीज फोर पार्ट्स आर नोन एज क्वाड्रेंट्स, आर नोन एज क्वाड्रेंट्स। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट हैं, इनके अंदर देखिए यहां से यहां तक कितने डिग्री एंगल है? 90 डिग्री, या कहते हैं पाई बाई टू रेडियन, ठीक है। यहां से आगे तक कंप्लीट कितना हो जाएगा? ये यहां देखिए 90 90 90, चारों कितने हैं? 90 90 डिग्री के हो गए ना। लेकिन यहां तक आते आते कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, या फिर पाई रेडियन। ये वाला यहां आते 270 डिग्री या 3 पाई बाई 2 रेडियन। पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, कितने पाई बाई टू हो गए? 3 पाई बाई 2 हो गए ना, तो 3 पाई बाई 2। और यहां तक आते आते ये हो जाएगा 360 डिग्री, और वी कैन से दैट 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो ऐसा हमने पहले बताया हुआ आपको कि 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है? 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये पाई बाई टू देखें, पाई बाई टू रेडियन, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए पाई बाई टू का मतलब है कि इसको चार से डिवाइड, तो चार से इधर, चार से इधर, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। ओके, तो हमारे पास ये टोटल 360 डिग्री एंगल कवर होता है इन चार क्वाड्रेंट्स में, ठीक है। फिर इसमें क्वाड्रेंट समझ में आया कि एक दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन किसी प्लेन को चार हिस्सों में बांट देती हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, मीन्स चार क्वाड्रेंट बन गए, क्लियर। अब इसमें आता है एक एएसटीसी रूल। क्या आता है? एएसटीसी रूल, ठीक है। एएसटीसी रूल क्या होता है? देखिए ये हमारे पास चार क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ओके, चार क्वाड्रेंट हमारे पास। और इन चार क्वाड्रेंट को देखें, तो देखिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस थे ना, उन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में सारे फंक्शन इस क्वाड्रेंट में अगर हुए, इसमें क्या लिखेंगे? ऑल पॉजिटिव। जैसे अगर मान लो ये बोला जाए sin 90 माइनस थीटा, तो इस तरह से है वो। मान लीजिए हमारे पास ये एक लाइन से, ये थीटा एंगल बना रही है यहाँ से, ठीक है। तो ये थीटा 90 से कम है ना, तो अगर हम कहें इसमें कि कोई 90 से कम एंगल वाला है, तो वो कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। साइन थीटा हो, चाहे कोस थीटा हो, चाहे नाइन टेंजेंट थीटा हो, कुछ भी हो, तो उसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं।
मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, सारे पॉजिटिव, तो फिर इनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे? पॉजिटिव, इसीलिए लिख दिया ऑल पॉजिटिव, क्लियर। और अगर इसकी बात करी जाए तो ASTC, ASTC ऐसे बोला जाता है इसको, ASTC, आप ऐसे चलिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। एस का मतलब है ओनली साइन पॉजिटिव, बाकी जो बच गए वो सारे क्या होंगे इस केस में, इस क्वाड्रेंट में, अगर कोई ऐसे है साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, तो 90 प्लस थीटा का मतलब है 90 तक तो यहां गए, प्लस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 प्लस थीटा मतलब वो पॉजिटिव है साइन, ठीक है। अगर कोई बोले कोस 90 प्लस थीटा, तो कोस 90 प्लस थीटा का मतलब है कि 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो इसमें तो कोस क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि इसमें तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो कोस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास इसमें देखिए ASTC में ओनली 10 पॉजिटिव टेंजेंट, ठीक है, और जो फोर्थ है उसमें ओनली कॉस पॉजिटिव, जो मैंने लिखे हैं वो पॉजिटिव है, बाकी सब बच गए वो नेगेटिव है। तो चार क्वाड्रेंट हमारे पास, ASTC रूल, इसको ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, ASTC रूल, ठीक है। ऑल साइन टेंजेंट कॉस, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। आप इसको चाहे क्रैम कर लीजिए, चाहे समझ लीजिए, आपकी चॉइस है कि आप इसमें कैसे याद रखते हैं इनको। ASTC से आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ओके। ये अपने कॉर्ड होते हैं, हम अपने हिसाब से बना सकते हैं इनको, जो हमें याद रह जाए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऐसे बना सकते हैं इस AS, देखिए AS और TC, ASTC बन गया ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। अच्छा, अब इसमें पॉजिटिव क्यों होता है, नेगेटिव क्यों होता है, वो भी आप देख सकते हैं वैसे तो, नहीं तो अगर आप नहीं ज़्यादा सोचना चाहें तब आप इसको सिर्फ इतना याद रखें कि इसमें ये पॉजिटिव होता है, इसमें ये साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टेंजेंट पॉजिटिव होता है, इसमें कोसाइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, आप सिर्फ इतना देख सकते हैं आप इस, और ये समझ लीजिए कि आपको याद रखना है, क्लियर। और इनके रेसिप्रोकल भी, जहाँ ये पॉजिटिव है वहाँ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑब्वियस बात है। अब मैं आपको फंक्शंस का चेंज होना बताता हूँ, कैसे फंक्शंस चेंज होते हैं, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ टी रेशियोज, ठीक है। देखिए अगर मान लो हमें दिया गया है साइन 90 माइनस थीटा, आपके पास इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, चाहे प्लस में मिले चाहे माइनस में मिले, या प्लस भी हो सकता था 90 प्लस थीटा, यहाँ माइनस है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए पहली बात तो ये सुनिए कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, ठीक है, कॉस किस में चेंज होगा, साइन में, ये आपको याद रखना है कि साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, ठीक है, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, ओके। तो फंक्शंस जो हैं हमारे, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि साइन किस में चेंज होगा, कोस में, कोस किस में चेंज होगा, साइन में, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, ओके। इसी के कॉरस्पोंडेंस हम ये कह सकते हैं कि देखिए कॉसिकेंट किस में चेंज होगा, सिकेंट में, ठीक है। देखिए कॉसिकेंट तो कॉस यहाँ पे है तो ये सिकेंट, ठीक है। और अगर हमारे पास सिकेंट आ जाए तो वो कॉसिकेंट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी इसी की तरह, साइन की जगह कोसेकेंट तो कॉस की जगह सीकेंट, कॉस की जगह सीकेंट तो साइन की जगह कॉसेकेंट,
ठीक है। तो ये तो हमें याद रखना है कि कौन सा फंक्शन किस में चेंज होगा। अब देखिए चेंज होगा नहीं होगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, वो देखिए साइन 90 माइनस थीटा है ना, आपको क्या करना है, यहाँ दो टर्म्स हैं एक ये और एक ये, आपको सबसे पहले तो ये देखना है, अकेला ये वाला देखना है फर्स्ट नंबर पे, इसको देखना है। इसका क्या कि हमें ये पता करना है कि ये वाला फंक्शन चेंज होगा या नहीं होगा। तो अगर 90 आता है और 270 आता है तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर यहाँ 90 है और 270 है तो ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा कोस थीटा, ये थीटा एज इट इज सीधा लिख दो इसके साथ, कोस थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखना है कि यहां ये कोस थीटा माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, तो इस कंप्लीट फंक्शन को देखना है। देखिए ये अकेला किसके लिए है, फंक्शन चेंज और नॉट उसके लिए, और ये कंप्लीट किसके लिए है, साइन के लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव। समझ में आई बात। अगर ये साइन 90 माइनस थीटा है तो सबसे पहले आपको ये देखना है इसमें जो पहली टर्म लिखी है वो क्या है, माइनस हो आगे प्लस हो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ 90 है और 270 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में फंक्शन चेंज होगा। तो साइन 90 है मतलब 90 पे फंक्शन चेंज होता है, तो साइन किसे बदल गया, कॉस थीटा लिख देना है सीधा, ठीक है। फिर देखना है कि ये प्लस या माइनस, तो 90 माइनस थीटा, फिर ये कंप्लीट टर्म को देखिए आप कि 90 माइनस थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा, 90 तक तो 90 तो यहां तक आता है ना पूरा, माइनस थीटा और करते हैं तो ये पीछे फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह गया 90 माइनस थीटा, तो अगर 90 माइनस थीटा किया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसको देखना है आपको, उसको नहीं देखना, साइन पॉजिटिव तो यहाँ क्या आ गया पॉजिटिव। अगर ये हो जाए साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 को देखते ही पता चल गया कि फंक्शन तो चेंज होगा, मतलब कॉस थीटा, 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आया, 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए, सेकेंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव, और ये साइन ही है कॉस थीटा। क्लियर बात। ऐसे ही देखिए साइन 180 माइनस थीटा, देखिए साइन 180 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो ये साइन थीटा एज इट इज आ गया। 90 और 270 पे फंक्शन चेंज होगा, 180 और 360 पे नहीं होगा, तो 180 एज इट इज, 180 है तो एज इट इज आ गया। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, 180 यहां पे आके पूरा होता है, माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव। और अगर साइन 180 प्लस थीटा हुआ तो 180 पे फंक्शन फिर से चेंज नहीं होगा, और 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में साइन नेगेटिव, सिर्फ टेन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, इसका मतलब ये माइनस आ जाए, ठीक है। तो हम वेक्टर पढ़ रहे थे ना, तो वेक्टर में यही चीजें हम यूज कर रहे थे, जैसे उसमें था हमारे पास क्या, कोस 180 माइनस थीटा, यही तो था उसमें, ध्यान करिए 180 है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब कोस थीटा एज इट इज आ जाएगा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ कम करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए ना वापस, सेकंड में कोस क्या होता है नेगेटिव, इसलिए वो क्या आ रहा था माइनस कोस थीटा, सेकेंड में कॉस क्या है नेगेटिव, सिर्फ साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव है, जो पॉजिटिव लिख रखे हैं वही है, कि उसके अलावा जो बच गए सब नेगेटिव, ठीक है। और देखिए टेन 90 माइनस थीटा करना पड़े तो 90 है तो फंक्शन चेंज तो होगा, मतलब टेन किस में बदलेगा, कोट में, टेन कोट एंजेंट में बदलेगा ना, कोट थीटा हो गया। 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में तो सारे ही क्या होते हैं पॉजिटिव, टेन यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव कॉट थीटा आ जाएगा, ठीक है। ऐसे किसी भी तरह का फंक्शन दिया हो, मान लो 9 साइन 270 प्लस थीटा दिया हो हमें, क्या करेंगे अब, 270
270 प्लस थीटा, 270 यहां होता है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, 270 पे फंक्शन चेंज होगा तो डेफिनेटली कॉस थीटा लिख दीजिए इसको। अब 270 प्लस थीटा, देखिए 270 को देख के हमने इसको कॉस थीटा लिख दिया क्योंकि हमें पता है फंक्शन चेंज होगा। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए क्या आ जाएगा 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ये देखना इसका, ये नहीं देख लेना, नहीं ये कॉस तो पॉजिटिव है वहां पे, साइन नेगेटिव होता है इसलिए क्या रख दिया, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे हम कई सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं जैसे हमें रिक्वायरमेंट हो उसी हिसाब से। ठीक है, हमें जरूरत क्यों पड़ेगी इनकी कन्वर्ट करने की, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जैसे आपको चलिए मैं पहले आपको कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज करवाता हूँ, आपको एक टेबल मैं आपको नोट करवा रहा हूँ कि जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मैं यहाँ पे दो और लिख लीजिए साथ साथ इसके, कि अगर कोस ऑफ माइनस थीटा हो तो वो लिखा जाता है कोस थीटा हमेशा, अगर कोस ऑफ माइनस थीटा है इस तरह से तो इसको क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा, और अगर साइन ऑफ माइनस थीटा हो तो इसको क्या लिखा जाएगा, माइनस साइन थीटा। इनको आप एक तरह से याद रख लेना अच्छे से। ठीक है, अभी आपके तो ट्रिग्नोमेट्री 9th NTSC क्लास में तो ट्रिग्नोमेट्री इतने ज़्यादा 10th क्लास में आएगी, तो उससे पहले आप सिर्फ इनको ध्यान रख लीजिए कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हम किसी भी तरीके का हमें मिल जाए हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है, हमें वो ध्यान रखना है साइन कोस में बदलेगा, टेंजेंट कॉट में बदलेगा, कोस साइन में बदलेगा, अगर बदलेगा तो, नहीं तो ज़रूरी भी नहीं है। क्लियर, तो इस तरह से अब मैं आपको एक टेबल नोट करवाता हूँ आगे कि किस एंगल की कितनी वैल्यू होती है। ओके, देखिए आपको एक टेबल नज़र आ रही होगी आपके सामने, इसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल और उनकी वैल्यूज दी हुई है और कुछ फार्मूले लिखे हैं मैंने, जो बेसिक बेसिक फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में आपके यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, देखिए ये साइन की वैल्यूज है, साइन 0 0 होगा, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, ये वैल्यूज, ये एंगल हैं वो डिग्री के अंदर है। ओके, ऐसे ही कोस 0 डिग्री 1 होता है, कोस 30 √3/2, कोस 40 उल्टा लिखिए उस वहाँ से, देखिए 1 √3/2 और 1/√2 1/2 0 उल्टे हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये तो आपको क्या करना है, ये टेबल आपको याद, जैसे 10 है, 10 0 क्या होता है, 0। देखिए 10 थीटा क्या होता है, एक्चुअल में साइन थीटा बाई कोस थीटा होता है। आपको साइन की वैल्यू याद है मान लो 0 डिग्री पे, आपको कोस की वैल्यू याद है, तो साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, 10 थीटा, इसका मतलब 0/1 कर दीजिए उसको, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो क्या आ जाएगा, 0/1 क्या होता है, 0। ऐसे ही 10 90 1/0 साइन बाई कोस, 1/0 क्या होगा, इन्फिनिटी, या तो उसको नॉट डिफाइन कहेंगे या उसको क्या कहेंगे, फिर इन्फिनिटी, एक ही बात है। तो ये 10 में 30 डिग्री 1/√3, 10 45 होता है 1, 10 60 डिग्री क्या होता है, √3। ठीक है, और 10 90 क्या हो गया, नॉट डिफाइन। अब बात ये है कि ये हमारे पास जो कोस सिकेंट और कोट बच गए, ये इनके रेसिप्रोकल होते हैं, हमें पता है कोस सिकेंट किसका होता है, साइन का रेसिप्रोकल, तो उन वैल्यूज को सबको रेसिप्रोकल कर दीजिए उनका। जैसे 0 का क्या कर दोगे, 1/0, तो इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, ऐसे ही 1 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही सीकेंट इसका रेसिप्रोकल और टेंजेंट, सॉरी कोटेंजेंट 10 का रेसिप्रोकल। तो आपको याद है ये तीन, साइन कोस टेन की वैल्यूज याद रखनी है और बाकी आप उनको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमारे पास कुछ फार्मूलेज हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ये भी आपको याद ही रखनी, इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे साइन थीटा बाई कोस थीटा 10 थीटा, तो उल्टा कर देंगे, कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा क्या होता है, 1 होता है।
बाकी फिर हम बना लेंगे, जैसे साइन स्क्वेयर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, ऐसे ही सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, वन, तो वन प्लस टेन स्क्वेयर थीटा क्या आ गया, सीकेंट स्क्वेयर थीटा टेन स्क्वेयर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो गया, तो सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा क्या हो गया, वन। साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ये होता साइन थीटा तो कर देते टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, हाफ करना है ना एंगल का। ये देखिए साइन और कोसाइन के साथ जो भी लिखा होता है, मैंने यहाँ थीटा लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिख दिया ए प्लस बी, देखिए यहाँ पे वो आप थीटा में लिखिए ए में लिखिए, वो तो एक नोटेशन है, ठीक है, मैंने एंगल को यहाँ लिख दिया ए प्लस बी, तो ये ए प्लस बी पूरा ही क्या है, एंगल है। साइन कोसाइन टेंजेंट के साथ जो भी लिखा होता है ये सारा एंगल होता है, ठीक है, और एंगल यूनिट लेस होता है, ये भी ध्यान रखना साथ साथ। तो साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, अगर ये साइन थीटा होता तो हमें तो एंगल का हाफ करना है ना यहाँ पे, तो थीटा होता तो थीटा बाई टू और थीटा बाई टू कर देते, ऐसे कॉस टू थीटा ये होता है। फिर यहाँ से साइन ए प्लस बी को ये लिख सकते हैं, साइन ए माइनस बी को जरूरत पड़े तो हम इनका यूज कर सकते हैं, फिजिक्स में कई जगह इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इन फार्मूलेज को आप नोट डाउन कर लीजिए, और ये टेबल, और वो कन्वर्जन एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि कैसे हम साइन 90 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा को कैसे क्या लिख सकते हैं, याद नहीं रखना उनको, आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जब 90 होता है और 270 होता है तो फंक्शन चेंज होता है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा उसके लिए कंप्लीट एंगल देखना है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, इनके अलावा बाकी सब क्या होते हैं, नेगेटिव, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का हमारा बेसिक जो हमारे यूज में आने वाला है वो हमने पढ़ लिया।